चार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी सर। नमस्कार साहब, मैं एसपी सिंह संस्था टैनेजर से हूं और शुभ मंच के तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि आपके सामने भी बात हो रही है, नर्सरी कैसे डाली जाए और एक एकड़ खेत के लिए कितने जड़ की आवश्यकता पड़ती है, उसके नर्सरी डालने के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर, तो किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे कि जैसे कि उनकी जड़ खुद चुकी है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि उसकी कौन सी प्रजाति होती है, वो उसकी उस प्रजाति को कैसे लगाएं और क्यों वो आवश्यक होती है, तो इस बार हमारे किसान भाइयों को आप क्या संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि वो एक एकड़ रुपाई के लिए कितनी जड़ की आवश्यकता उनको पड़ेगी और कितनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। एक एकड़ अगर हमें रुपाई करनी है, हमेशा ध्यान रखें कि नर्सरी बनाने के लिए 32 किलो जड़ का उपयोग करें और 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन से कम ना हो, उसमें नर्सरी डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हम लोग जो जड़ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कुछ और आवश्यकता पड़ती है क्या? जब हमें नर्सरी डालना हो तो उस समय पर हम खेत की तैयारी करते हैं, 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन को अच्छी तरह से गुड़ाई करके और उसको लेवल कर लें, और उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि खेत में नाली बना लें, खेत की चौड़ाई इतना रखें कि खेत के नाली में बैठ करके हम उसकी निकाई कर सकें, बैठ करके उसी में बैठ करके हम उसमें से जितने नर्सरी निकालने, पौधे निकालने, उसके अंदर न घुसना पड़े, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी नर्सरी ख़राब नहीं आती। दूसरा, जो हम नाली बनाते हैं उससे बरसात में जो पानी हो जाए या सिंचाई करते समय ही पानी ज़्यादा हो गया तो उस नाली के सहारे हम बाहर निकाल देते हैं। तीसरा, ये काम करना हमको इसमें खाद डालनी पड़ती है, तो उसको चाहे छोटी मात्रा से हम बता दें आपको कि 15 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप DAP डाल दीजिए और 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप पोटाश। जब आपकी क्यारी बन जाए, क्यारी आपकी लेवल हो जाए, उस समय पर खाद डालें। इसमें खाद डाल करके हल्का सा पैर से उसको मार देंगे तो मिट्टी में हल्की हल्की वो मिल जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा आपकी नर्सरी को होता है। उसी के साथ साथ जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, जिससे कि ऑर्गेनिक मात्रा, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, जीवांश ज़्यादा हो और हमारी नर्सरी को, हमारी सीडलिंग को बढ़ने में मदद कर सके। सर, हमारे पिछले वीडियो में एक किसान ने पूछा कि ये जो जड़ है इसके क्या शोधन के लिए कुछ करना पड़ता है? ये जो जड़ हम नर्सरी डालने के लिए जा रहे हैं, इसकी शोधन करना बहुत ज़रूरी है। करते क्या है, जब हम लोग चारा वाली मशीन से कटाई करके इसको, और कटाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी नर्सरी के लिए जड़ कटी है उसमें एक एक टुकड़े में कम से कम 2 आँखें हों, जिससे कि एक आँख अगर न जमे तो दूसरी आँख जरूर जम जाए। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि जब हम चारे वाली मशीन से कटाई करें तो उसके चारों तरफ पहले से पूरी सफाई कर लें, क्योंकि हो सकता है इससे पहले हम अगर कटाई किए हैं और वो प्रजात जिसको हम लोग लाल रानी कहते हैं या गोमती वैरायटी कहते हैं या कोई और वैरायटी है, उसका इसमें मिक्सचर ना हो सके। दूसरा काम ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो गांठे कट जाएं, फिर उसको हम ला करके शोधन कर लें। शोधन करने के लिए ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक है। मान लीजिए हमारे पास 30 किलो जड़ है, 50 लीटर पानी में 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा घुल जाएगा, घोल बना लें उसको और उसमें फिर जड़ डाल दें। जड़ डालने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक रहने दें, उसके बाद उसको उसमें से निकाल करके किसी छायेदार जगह में फैला दें, जिससे कि जो बीमारी, जो कीटाणु पौधे जड़ के ऊपर लगे हुए हैं वो सारे मर जाएंगे और हमारे नर्सरी में, हमारे रुपाई के बाद भी पौधे में बीमारी नहीं लगेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपने बताया था कि कुछ लोगों ने नर्सरी पहले डाल दी है, अगर उनकी बढ़वात रुक गई है तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अगर पहले डाल दिए हैं, बढ़वार रुकी हुई है और लगाने का समय आ गया है,
तो उस समय पर हम एनपीके जो घोल के रूप में आता है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें, या 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो हमारी उपज पर बहुत असर पड़ेगा, हमारी नर्सरी बढ़ जाएगी और हम उसको तुरंत लगा देंगे। चलते चलते हम लोगों को एक चीज़ की जानकारी और दे दी है कि ये जो नर्सरी में खरपतवार उग जाते हैं उसके लिए किसान भाइयों के लिए कोई उपाय या जिससे कि उससे बच सकें ये लोग। देखें, नर्सरी डालने के बाद जब हम जड़ की बुआई कर देते हैं खेत में, नर्सरी के खेत में, और पानी लगा दिए, उसकी छपाई कर दिए, सब काम कर दिए, तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अगर हम पेंडामिथिलीन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका स्प्रे कर देंगे तो हमारी नर्सरी में ज़्यादातर खरपतवार सारे ख़त्म हो जाएंगे या उगेंगे ही नहीं। अगर कुछ रह गए हैं तो, या दूब घास जैसे है या मोटा घास आ भी जाती है, तो नर्सरी में हम एक बार अगर उसको निकाल देंगे तो दोबारा खरपतवार उसमें नहीं आएंगे। और हम आपको ये भी बता दें किसान भाइयों कि और अधिक जानकारी, कहीं पर आपको शंका हो या कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं नर्सरी संबंधित, तो आप हमको फ़ोन करके बात कर सकते हैं नीचे लिखे नंबर पर, या कमेंट वाला बॉक्स जो है इसमें आप प्रश्न पूछिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।